नमस्कार, मैं इंद्रजीत राय और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। कोरोना की इस महामारी के वक्त सबसे जरूरी है कि आप अपने आप को डिसइंफेक्ट कैसे रखें, अपने घर को डिसइंफेक्ट कैसे रखें, यह सबसे जरूरी सवाल है जिसका जवाब इस वक्त सभी को चाहिए। डिसइंफेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें इन्फेक्शन को समझना जरूरी होगा। कोई भी इन्फेक्शन का पार्टिकल, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो या फंगस हो, कोई भी हो, वो बाहरी वातावरण से हमारे शरीर में घुसता है, हमारे शरीर को इन्फेक्ट करता है। अब ये इन्फेक्ट किन जगहों से करता है, बहुत सारे ओपन पार्ट्स हैं, जैसे नोज है, माउथ है, आईज है, ईयर्स है, इसके अलावा हैंड है। तो एक्चुअल में हम खुद कैरियर होते हैं उस इन्फेक्शन को अपनी बॉडी के अंदर लाने में। अब इसके पाथ को हमें समझना होगा कि आखिर इन्फेक्शन बाहर से हमारे घर में आता कैसे है। बाहर हम बहुत सारी चीज़ों को टच करते हैं, छूते हैं, हमारा बॉडी का बहुत सारा हिस्सा एक्सपोज रहता है, जैसे हमारा यहाँ तक इसके नीचे हमने ज़रूर कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन ये एरिया हमारा एक्सपोज है, ये एरिया एक्सपोज है, ये एक्सपोज है, एयर एक्सपोज है, हैंड्स एक्सपोज हैं। इसके अलावा शूज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं बाहर के इन्फेक्शन को घर के अंदर लाने में। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पहले तो हम अपने आप को बचाएं जितना भी बच सकते हैं। जैसे अगर हम शर्ट पहन रहे हैं तो पूरी बाजू की शर्ट पहने, जिससे कि बहुत कम एक्सपोज पार्ट हमारा बॉडी का वो बाहर रहे। अब ये जरा दिमाग पे जोर डालिए कि सबसे ज्यादा हम किस चीज को टच करते हैं, किस चीज को छूते हैं। सबसे ज्यादा अगर हम किसी चीज को छूते हैं अपने हाथों से, तो वो हमारा मोबाइल फोन है। हम घर के अंदर आके हैंड वॉश कर लेते हैं, हम अपने कपड़ों को खोल करके और धो देते हैं, लेकिन हम मोबाइल को सैनिटाइज नहीं करते हैं। और ये एक मेरी समझ से सबसे बड़ा कैरियर हो सकता है इन्फेक्शन को बाहर से आपके घर के अंदर लाने में। बाहर हमने अपने हाथों से किसी चीज को छुआ, उसके बाद हमने अपने फोन का इस्तेमाल करना शुरू किया, फिर हमने कुछ टच किया, इस्तेमाल किया, घर पे आए, हमने हाथ को सैनिटाइज किया, लेकिन हमारे हैंड से अगर बाई द वे कोई पार्टिकल, कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस इन फिंगर्स में टच होके अगर इस स्क्रीन पे वो आ गया है, तो ये हमारे घर के अंदर आया है और यहाँ पे वो इन्फेक्शन पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने फ़ोन को सैनिटाइज करें, क्योंकि फ़ोन को हम अपने ओपन पार्ट्स के सबसे ज़्यादा नज़दीक रखते हैं। ये हमारे माउथ के नज़दीक होता है, ये हमारे ईयर्स के नज़दीक होता है, ये हमारे नोज़ के नज़दीक होता है, इसको सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसके सैनिटाइजेशन के लिए सबसे सिंपल और साधारण तरीका है ये एल्कोहल रब है, जिसे आप किसी भी मेडिकल स्टोर से आप परचेज कर सकते हैं। सामान्यतः इसका इस्तेमाल होता है जब भी सर्जरी या कुछ कट हमारे हाथ पे लग जाता है, तो इसको रब करने के बाद इस पर ऑन्टीमेंट या बाकी दूसरी चीज़ें लगाई जाती हैं। सर्जिकल प्रोसीजर करने से पहले, जिस स्किन को भी कट करना होता है, उससे पहले इस सॉल्यूशन को वहाँ पे डॉक्टर्स लगाते हैं, उसको डिसइंफेक्ट करते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल वहाँ इन्फेक्शन का है तो वो डिसइंफेक्ट हो जाए। सबसे आसान तरीका है हम इस एल्कोहल पे को, जो किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको मिल सकता है, एक कॉटन स्वैब के जरिए हम इसको ले सकते हैं, मोबाइल की स्क्रीन को हम साफ कर सकते हैं इससे। बहुत अच्छी तरह ये सोच के आपको इसको क्लीन करना है कि इससे हम इन्फेक्शन को डीएक्टिवेट कर रहे हैं, इन्फेक्शन को हम यहाँ से हटा रहे हैं, इस तरीके से साफ करना है। आप इसको साफ करें, इन्फेक्शन का पार्टिकल इस पर से हटाना बहुत ज़रूरी है। टेबलेट्स हैं आपके, बहुत सारे गैजेट्स हैं, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के आज की सोसाइटी में मुझे लगता है शायद कोई भी नहीं रहता होगा। टैबलेट की स्क्रीन से जिनका टच हम करते हैं, हमारे बाद बच्चे करते हैं, घर के दूसरे सदस्य करते हैं, मोबाइल फ़ोन का भी इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम करते हैं, मोबाइल फ़ोन का भी इस्तेमाल हमारे घर के बहुत सारे लोग करते हैं, लैपटॉप्स हो गए, उनको डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक्सीडेंटली कोई भी वायरस पार्टिकल आपके हाथ को एक्सपोज कर चुका है, वहाँ तक पहुँच चुका है और आपके घर में आ चुका है, तो हम इसको हर संभावित जगह को डिसइंफेक्ट करें, ताकि ये घर के दूसरे हिस्सों में या दूसरे सदस्यों के हाथ के जरिए उनकी बॉडी में ना पहुंचे। दूसरी सबसे अहम बात कि हम बाहर से आते हैं,
शूज पहन के आते हैं, रोज अपने जूतों को बदलना या उनकी धुलाई करना या ड्राई क्लीनिंग करना ये संभव नहीं है। जूते हम घर के अंदर रखते हैं और जूतों को हम अपनी फ्लोरिंग पे रख के चलते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक्सपोज्ड एरिया है जो इन्फेक्शन का एक बड़ा करियर बन सकता है, सोर्स बन सकता है। इसको क्लीन करने का सबसे बेस्ट वे है, सबसे अच्छा तरीका है सोडियम हाइपोक्लोराइट। ये एक सॉल्यूशन है, मेरे पास है ये सॉल्यूशन। बहुत सारी गाइडलाइंस हैं हॉस्पिटल्स के लिए जिसमें ओटी को डिसइंफेक्ट करने के लिए, वॉल्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए, आईसीयू को डिसइंफेक्ट करने के लिए इस केमिकल को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल के तौर पे माना गया है। ये बेसिकली ब्लीच का ही एक सॉल्यूशन फॉर्म में एक सॉल्यूशन है जिसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है। ये आपको बैक्टीरिया के अलावा वायरस को भी ये आपकी सरफेस से एलिमिनेट करता है। एलिमिनेट किस सेंस में करता है ये हमें समझना होगा। कोई भी वायरस होता है वो अपने ऊपर एक जिसे आवरण आप आसान भाषा में कह सकते हैं उसको रखता है। ये जब भी फर्श पे आप इसको लगाते हैं तो ये रिएक्ट करके उस आवरण को खत्म करता है जिससे वो वायरस डीएक्टिवेट होता है। इसी तरह ये बैक्टीरिया के साथ भी करता है। मैं फिलहाल अपने घर में इसे पिछले कई सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव नहीं है तो आपको ग्लव्स पहनने की ज़रूरत नहीं है इसको इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप ये साधारण जो रबर ग्लव्स होते हैं आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके टॉक्सिकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के मुताबिक जो इसका रेशियो हाउस के लिए घर के लिए माना गया है वो 1:100 माना गया है, यानी कि 100 लीटर में 1 लीटर ये सॉल्यूशन होना चाहिए। 100 लीटर पानी में 1 लीटर इस सॉल्यूशन को मिला के इसे पोछे के तौर पे इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। यानी अगर एक बाल्टी पानी है तो एक बाल्टी में आप सिर्फ अगर 10 लीटर पानी आप मानते हैं तो सिर्फ 10 ml यानी एक ढक्कन आप डाल सकते हैं आधा लीटर पानी में। अगर आधी बाल्टी पानी है तो आप उसमें आधा ढक्कन इस्तेमाल कर सकते हैं और साधारण कपड़े के जरिए आप उसमें कपड़े को रब करके उसमें भिगो के और उसे अच्छे से उसका पानी निकाल के और आप फर्श पे लगा सकते हैं। खास तौर से ऐसे वक्त पे मुझे लगता है कि सैनिटाइजेशन की डिसइंफेक्शन की बहुत अच्छी SOPs यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत है, क्योंकि कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ये बीमारी अभी फिलहाल बढ़ रही है। तो ऐसी सूरत में हमें डिसइंफेक्शन अपने घर को करना चाहिए, खुद को करना चाहिए। इसके अलावा आप जो आधी बाल्टी पानी में इस आधे ढक्कन को सोडियम हाइपोक्लोराइड को मिक्स कर रहे हैं उसको आप इस तरह की स्प्रेज में आप ले सकते हैं, और बहुत सारी जगह जहाँ पे हमारा मॉप नहीं पहुँच पाता है वहाँ पे आप सिंपल, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के जरिए समझाता हूँ, ये मेरा कॉर्नर का एरिया है, यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारे एरिया है जिसे मैं अपने मॉप के थ्रू कवर नहीं कर पा रहा, तो सिंपल मुझे इसको स्प्रे करना है, मैं कर दूँगा। यानी कि इसके पार्टिकल्स सरफेस पे जा कर के अगर वहाँ कोई बैक्टीरिया या वायरस मौजूद है तो इस स्प्रे के थ्रू वो किल हो जाएगा, वहीं पे एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरी बात की सरफेस, जैसे अगर मैं बाहर से आया तो मैं घर में बैठा, मेरा हाथ यहाँ लग रहा है, यहाँ पे जो बैठा है उसके हैंड एक्सपोज एरिया का यहाँ टच हो रहा है, यहाँ इन जगहों पे बहुत संभावना रहती है, या जैसे ये सेंटर टेबल मेरे सामने रखी है इसकी टेबल पे इन्फेक्शन के होने की बहुत संभावना रहती है। उसके लिए साधारण रबिंग एल्कोहल आप इस्तेमाल कर सकते हैं या आप स्पिरिट इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सेफ, इनकी क्षमता ज़रूर सोडियम हाइपोक्लोराइड की तरह नहीं है, लेकिन ये चूंकि सरफेस को हम बार बार हाथों से टच करते हैं, घर में बच्चे होते हैं तो चूंकि ये नुकसानदेह नहीं है इसलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रबिंग एल्कोहल और स्पिरिट आपको इजीली दुकानों पे मिल जाएगा। दूसरी सबसे अहम बात बताऊं मैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड को सरकार ने एसेंशियल कैटेगरी में घोषित कर दिया है, यानी कि इस लॉकडाउन के वक्त भी इसकी दुकानें आपको खुली मिलेंगी। आप आसपास एरिया में जहां भी बिकता है आप ढूंढ सकते हैं, गूगल की मदद ले सकते हैं कि ये सोडियम हाइपोक्लोराइड आपके आसपास किस जगह पे किस डीलर के पास मिलता है,
ये इस वक्त भले ही लॉकडाउन में सारी दुकानें बंद हैं, लेकिन चूंकि सरकार ने इसको एसेंशियल कैटेगरी का घोषित किया गया है, सारे अस्पतालों में इसकी सप्लाई होती है, रबिंग अल्कोहल की सप्लाई होती है, स्पिरिट की सप्लाई होती है, तो ये चीज़ें बहुत आसानी से आपको बाजार में मिल जाएंगी। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत कॉस्टली है, इन्हें कोई खरीद नहीं सकता। जो भी चीज़ें आप सुपरमार्केट से खरीद के हाउस क्लीनिंग के लिए लाते हैं उससे कहीं ज़्यादा सस्ती ये चीज़ें हैं, लेकिन ये डिसइंफेक्शन के लिहाज से बहुत ज़्यादा प्रभावी है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपने आप को डिसइंफेक्ट रखें, अपने घर को डिसइंफेक्ट रखें। नहाते वक्त बहुत सारा पार्ट तो आपका बॉडी का कवर्ड है, लेकिन बहुत सारा पार्ट एक्सपोज्ड है। बाहर से आइए, कोशिश करिए कि आप अच्छे से सूप या शैम्पू के साथ आप नहाएं, कि अगर एक्सीडेंटली पेनिट्रेट कर चुका है वायरस हेयर्स में या जो एक्सपोज एरिया है तो वहाँ से वो धुल जाए। शावर का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि वाटर का जो प्लेसमेंट है वो शावर के थ्रू पूरी बॉडी में उसका प्लेसमेंट इक्वली आता है। मग, अगर शावर नहीं है आप मग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मग से ज़्यादा बेहतर शावर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो वाटर का प्लेसमेंट है वो बॉडी में के हर पार्ट में हर जगह बराबर का होता है। तो खुद को डिसइंफेक्ट रहिए, अपने परिवार को डिसइंफेक्ट रखिए, अपने घर को डिसइंफेक्ट रखिए। बहुत ज़रूरी है बेहतर और प्रोफेशनल तरीकों का के इस्तेमाल की इस वक्त ज़रूरत है, तब जाके शायद आप और हम मिलकर इस महामारी से बहुत बेहतर तरीके से निपट पाएंगे। ABP News आपको रखे आगे।